सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि नौजवान को क्या पैगाम देंगे आप, क्योंकि आप बड़ी बारीकबीनी से रखते हैं नजर, तो खास नौजवान को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, इस मुल्क का जो फ्यूचर है ना, वो नौजवानों के हाथों है। दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ यूथ है। आप देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर यूथ सिर्फ जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है। ज़रूरत इस बात की ये है कि हमारे मुल्क में जो नौजवान है वो मोटिवेटेड भी है, वो एनर्जेटिक भी है, वो मेहनती भी है, वो डिलीवर करना जानता भी है। सिर्फ और सिर्फ वो ड्रीटेक है। अगर ज़रूरत इस बात की है कि अगर उसको ट्रैक पे लाया जाए और उसको सही रास्ते पे उसको उसकी जो यूटिलिटी है वो की जाए, तो इस मुल्क को तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर 64% यूथ है, लेकिन उसके लिए उसको यूटिलाइज़ करने के एवेन्यूज़ नहीं है कि उसको यूटिलिटी उसकी कहाँ पे हो। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त दुनिया ना, वर्ल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, आप आईटी के सेक्टर में लोगों को रिसोर्सेस मुहैया करें। इस वक्त अगर नौजवान अपने आप को मनवा रहा है तो वो टिकटॉक बना रहा है, वो फेसबुक बना रहा है, वो यूट्यूब बना रहा है, लेकिन वो जेंटू बन चुका है ऐसा। टिकटॉक सोशल मीडिया पर जेंटू इतना बन गया है, फजूलियात ज़्यादा बना रहा है। देखें काम की चीज़, आपके पॉइंट का मकसद ही यही था मेरे, इस वक्त जो है वाजे करना था कि आपका पॉइंट बहुत अच्छा था कि हम टिकटॉक वगैरह जो चीज़ें हैं वो हम यूटिलाइज सही नहीं कर पा रहे। आप यूरोप से अभी आप दौरा करके आए, यूरोप में आपने देखा कि टिकटॉक बड़ा मुफीद है उनके लिए, फायदेमंद साबित हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं। मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क में टिकटॉकर हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करें, ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट वो अपने आप को एक एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में वो सीख रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे यंग यूट्यूबर्स हैं जो मिलियंस में कमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो उल्टी सीधी टिकटॉक बना रहे हैं। अगर उनको चाहिए कि वो उस टिकटॉक के थ्रू अगर लोगों को भी ट्रेन करें कि भाई देखें, हमारे मुल्क में ठेला चलाना, सब्जी का रेड़ा चलाना गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बिजनेस है भाई। अगर कोई आदमी टिकटॉक पे अब सब्जी बेच रहा है, वो क्यों नहीं लगाता पाकिस्तान में? वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवो गाड़ी से उतरता है और वो वहाँ पे टिकटॉक बना रहा है, वो और वो किराए की जो है वो V8 लेता है उस पर टिकटॉक। भाई बंदा प्लम्बर क्यों नहीं बनता? वो क्यों नहीं सिखाता कि भाई इस तरह से आपने इलेक्ट्रिशियन बनना है, इस तरह से आपने प्लम्बर बनना है, इस तरह से आपने अपने घर का काम करना है, आप लोहार कैसे, भाई कौन सा गुनाह है मौत पर रही है कि बस आपने जो है वो उठते साथ ही आईटी इंजीनियर बनना? नहीं भाई, आपने आईटी इंजीनियर नहीं बनना है, ठेला लगाना है, बिजनेसमैन बनना है। जो रेड़ी लगाता है ना, सुबह उठ के 5 बजे जाके सब्जी ले आता है, ये क्यों नहीं टिकटॉक पे लगाता है? यूरोप में ये लोग करते हैं कि इस तरह से पैसे अर्न कर रहे होते हैं। हमें तो मजदूरी करने में, मेहनत करने में तो हमें मौत आती है पाकिस्तानियों को। हम कहते हैं कि हम गाना गाएं, हम टिकटॉक चलाएं, हम किसी की रिवो लेके उसके ऊपर चढ़ के उसका टिकटॉक बनाएं, किसी छत से हम कूदें। क्या कर रहे हो भाई, छत से क्यों कूद रहे हो भाई? मतलब टिकटॉक बना के लोगों को वो इमेजिनेशन में अपने आप को कैच कर रहा है। नौजवान को ये पता है कि मुझे अट्रैक्शन इसको देनी है, लेकिन उसके पास उसका सही रास्ता नहीं है। ये काम रियासत का है, रियासत अपना काम पूरा नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। रियासत काम नहीं कर रही है तो नौजवान का ये जहन कैसे बनाए, जो आपका पॉइंट है कि यूटिलाइज करें अपने कुछ दुरुस्त जगह पर, तो ये कैसे अवेयरनेस देंगे नौजवान को? सर ये जामा तो नहीं पहना रहा ना कुछ बातों की हद तक, लफ्जी बातों में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता ये टिकटॉक बन गया, ये टिकटॉक चल गया, अब आपको इसको ठीक करना है, वो आपने करना है, मैंने करना है, ये मेरे कैमरामैन ने करना है, ये इस भाई ने करना है। बोलेंगे तो बात करेंगे ना, एक दिन आएगा, एक दिन जो है ना वो लोहार बनेगा बंदा टिकटॉक पे, वो मोची बनेगा। भाई मेहनत क्यों नहीं कर, मौत आती है चप्पल बनाने में, क्या मौत आ रही है? पैसा है भाई उसमें, सर्विस का मालिक क्या पहले दिन ही उसने बाटा बना ली थी क्या? कोई नहीं भाई, उसने फैक्ट्री में जाके काम किया होगा, वहाँ जूते बनते हैं, वहाँ चमड़ा बनता है, इसमें मौत क्यों आ रही है काम करने में? नौजवान को चाहिए कि ऐसे टिकटॉक, ऐसे सोशल मीडिया को यूज़ करें, छोटे छोटे कमरे में लेके बैठ जाएं,
सॉफ्टवेयर बनाएं। अभी एक मेरा दोस्त है, उसको कमर में पेन था, मैं उसके घर पे गया, मैंने कहा यार बात सुनो तुम्हें, वो एक कंपनी का आईटी डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार वो कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि तुम जॉब नहीं कर पा रहे हो, तुम आ ही नहीं रहे हो, तो किसी दिन मेरे पास नहीं होगा तो मैं तुमसे ही मांगूंगा, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँ। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठ के बांग्लादेश में एक स्टील मिल बना रहा हूँ। मैंने कहा हैं क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई मैं आईटी का एक्सपर्ट हूँ, बांग्लादेश से मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वहाँ पे एक स्टील मिल बन रही है, वो मुझे 4 मिलियन का जो है वो प्रोजेक्ट है, वो मैं कर रहा हूँ, $4 मिलियन का, कहने लगे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं 3 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। मतलब उसकी माजूरी, उसकी कमर का दर्द, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने वो उसके पास आर्ट था ना, वो आईटी का एक्सपर्ट था ना। तो अभी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका कोई काम है, वो बार बार मुझे आके बुला रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर एक प्रोग्राम। नौजवान को मैसेज ये है कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास रिसोर्स है, आपने अपने आप को यूटिलाइज करना है और एक दिन पाकिस्तान को दुनिया का चैंपियन बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर।